बड़ी खबर आपको बता दें कि बरेली में खुद सरेंडर करने के लिए आया था जावेद, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया है। अपने आप में ये बड़ी कामयाबी है। बदायूं हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये फरार चल रहा था उस दिन से ही। साजिद को तो पुलिस मुठभेड़ में ही ढेर कर दिया गया था, लेकिन अब जावेद से गहनता से पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है कि आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जावेद बरेली में सरेंडर करने के लिए आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और अब इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार दोनों मासूमों की इतनी निर्मम हत्या क्यों की गई है, कैसे किया गया है, क्या पहले से किसकी साजिश रची जा रही थी, क्या ये पूरा मामला है, क्या ये कारण है। अब जावेद से गहनता से पूछताछ की जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से वो पूरी खून का मंजर, वहां पर जो एक खौफनाक मंजर था, उस छोटे से बच्चे ने यानी कि तीसरे भाई ने देखा कि किस तरह से उसके दोनों भाइयों को निर्मम तरीके से मार दिया गया। लेकिन ये बड़ी खबर और अपने आप में एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के हाथ लगी है। जावेद को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। 25,000 का इनाम इस आरोपी के ऊपर रखा गया था, लेकिन अपने आप में एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के हाथ लगी है। इससे पहले साजिद को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, और अब जावेद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इसके बाद जावेद से गहनता से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार दोनों मासूमों की इतनी निर्मम हत्या क्यों की गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दोनों ही भाइयों के शरीर पर कितने घाव मिले हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अयाज खान बरेली से जुड़ चुके हैं। अयाज, जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, बरेली में जावेद ने, जो बदायूं का दूसरा हत्या का आरोपी था, उसने बरेली में सरेंडर किया है। लोगों के बीच में जाकर के कहा उसने कि मुझे पुलिस के पास ले चलो और मैं सरेंडर होना चाहता हूं, और मैंने कोई दोष नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो पुलिस के पास पहुंचा और अपने आप को बेकसूर बताते हुए उसने पुलिस सरेंडर किया। साजिद ने हत्या की थी, उसने ये भी कहा है। उसके भाई, लोगों के पूछने पर उसने कहा कि उसके भाई साजिद ने हत्या की थी, मैंने उसमें कुछ नहीं किया है, वो डर की वजह से घर से भाग गया था और बरेली में आके उसने अब सरेंडर किया है जब उसका नाम लिखा। अब पुलिस उसकी जांच में जुटी है, आगे उसकी और कार्रवाई की तैयारी चल रही है, अब देखना होगा आगे क्या क्या होता है। अयाज, क्या उसने बताया क्या कि कर साजिद हत्या की क्या पहले से साजिश की जा रही थी, या क्या मामला था, क्या कारण था, क्यों इन दोनों मासूमों की इतनी निर्मम हत्या की गई? इस तरीके का अभी कोई उसने नहीं बताया। पुलिस पूछताछ में आगे की जानकारी निकलकर सामने आएगी। फिलहाल उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, अब आगे पुलिस पूछताछ करेगी, उसमें देखते हैं क्या क्या सामने निकल के आ पाता है। जी अयाज, क्योंकि क्या देखा जाए कि इससे पहले साजिद को किस तरह से पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था, और जावेद की भी बड़े ही तेज तरीके से तलाशी की जा रही थी, क्या डर के इसने आकर सरेंडर करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया इसे? जी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस पे की थी कि 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था, इसलिए और ये परेशान फिर रहा था जावेद लगातार, कभी ऑटो में बैठ के, कभी कहीं। ये स्थानीय लोगों ने बताया कि ऑटो में बैठ के ये आया और वहां पे कुछ लोग खड़े थे, उसने थाने के लिए चलने के लिए कहा कि मैं पुलिस से सरेंडर करना चाहता हूं। वहां लोग उसके साथ लेके पहुंचे, उन्होंने कहा यही जावेद है, तो वो उस पुलिस के सामने उसने सरेंडर किया। अयाज, ये भाग के गया कहाँ था, क्या बताया कि जब उस दिन ये पूरा हत्याकांड हुआ इसके बाद ये भाग के गया कहाँ, किसके यहाँ ठहरा था? नहीं, इस तरीके की अभी कोई जानकारी निकल के नहीं आई है, सिर्फ ये जानकारी है कि ऑटो में ये बैठ के आया था और इसने पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात कही लोगों के सामने, वो लेके पहुंचे, वहां सरेंडर उसने किया है। अब आगे देखते हैं पुलिस किस तरीके की पूछताछ करती है, उसमें क्या निकल के सामने तक आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अयाज, अब जावेद ही एक ऐसा शख्स है जो इस पूरे मामले का खुलासा कर सकता है कि आखिरकार क्यों इन दोनों ही बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, क्या कारण रहा है, क्या इसके पीछे की साजिश रही है। जावेद ही अब इसका खुलासा कर सकता है। जी बिल्कुल, और इसमें अहम बात यह है कि जब बरेली इसने सरेंडर किया था बदायूं पुलिस को, बरेली पुलिस ने फिर सूचित किया, बदायूं पुलिस आ करके जावेद को बदायूं ले जा चुकी है, यहां से बड़ी खबर हमारे पास ये है, ले जा चुकी है बदायूं। अब वहां पे पूछताछ जिसकी होगी, आगे किस तरीके के क्या क्या कहता है, क्या उगलता है, क्या वजह रही हत्या की, वो सब सामने तथ्य सामने आएंगे। अब फिलहाल बरेली से बदायूं पुलिस ले जा चुकी है बदायूं को, जावेद को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।